जनवरी से प्रमाणिक पाठशाला से जुड़ी जिनसेन डिजिटल पाठशाला के बच्चों को 3 मार्च को कड़ीरे मठ गौशाला और पंच महाभूत लोकोत्सव ले जाया गया, जहां बच्चों को प्राकृतिक ऊर्जा, मानव निर्मित ऊर्जा स्रोत के बारे में बताया और सिखाया गया। जिनसेन डिजिटल पाठशाला नांदड़ी जनवरी से प्रमाणिक पाठशाला के साथ जुड़ी हुई है। 3 मार्च को पाठशाला के बच्चों को करिणे मठ गौशाला और पंच महाभूत लोकोत्सव में ले जाया गया, जहां डेमो एग्जीबिशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि हमारे पंच महाभूतों का संगोपन और संवर्धन कैसे करना चाहिए। प्रमाणिक पाठशाला से जुड़े हुए हमें 2 महीने हो गए है। इस महीने हमें गौशाला विजिट कराने के लिए कहा गया, तब हमने हमारे ही नजदीक सिटी कोल्हापुर के पास कनेरे मठ में गौशाला जाकर पहुंचे। तब हमारे बच्चों ने मंगलाचरण और नमोकार मंत्र का पाठ किया। तब वहां के अधिकारी ने हमें गाय के विविध नस्ल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी। ऋषि परंपरा से लेकर अभी तक चल रही आधुनिक परंपरा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी की तकनीक कैसे विकसित हुई, साथ ही प्राकृतिक ऊर्जा, मानव निर्मित ऊर्जा स्रोत के बारे में बताया और सिखाया गया। जैन फोकस के लिए कोल्हापुर, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।